फ्रेंड्स, मैं रवि अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का स्मार्टली डेली प्रैक्टिस बूस्टर सेशन में। दोस्तों, आज एक फिर से डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ हम हाजिर हुए हैं आपके साथ। देखते हैं सीधा क्वेश्चन क्या है वो पैटर्न और आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मुझे क्या बोला जा रहा है, 48% ऑफ 650 माइनस 1105 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 45% ऑफ 240 इक्वल टू 7x। आप कैसे सॉल्व करते हैं आप सोचिएगा। जो हम हर लेक्चर में मैं आपको बोलता हूं या हम आपको हर लेक्चर में बोलते हैं, थोड़ा सा आप अपने माइंड को पॉज दीजिएगा, सीधा पेन उठा के बैठ नहीं जाइएगा पेन पेपर लेके, राइट। पहले सोचिएगा कि बेस्ट वे ऑफ सॉल्यूशन क्या हो सकता है यहां पर। तो देखिए, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझता है तो आप प्लीज मेरा इससे प्रीवियस वाला जो सेशन है वो जरूर से देखिएगा, आपको जल्दी समझ में आएगा। ये 48% है, इस 48 को लिख सकता हूं मैं 50 माइनस 2। होप यहां तक आपको समझा होगा। अभी 650 का 50% कितना होता है, 325। और 325 होता है, और किसी नंबर का 1% निकालने के लिए उस नंबर को मुझे 100 से डिवाइड करना होगा, तो मुझे मिलेगा 6.5। और मुझे चाहिए कितना, 2% चाहिए, यानी 6.5 का डबल कितना है, 13। यानी आपको क्या करना है, 325 से 13 लेस करना है। अगर 325 से 13 लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 312। आगे किसका साइन आएगा, माइनस का। ऑलवेज फॉलो बॉडमास रूल। नाउ 1105 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 8 का कितना होता है, 104। उसके बाद मेरा कितना रेप निकलेगा, 6 और 5 यानी 65, यानी 13 5 65 होता है। आगे आप देखिए ये क्या है मेरा, माइनस। और इस 45 को लिख सकता हूं मैं 50 माइनस 5, आराम से लिख सकता हूं। अगर 50 माइनस 5 लिखा तो 50% कितना होता है 240 का, 120। ऑब्वियसली 120 होता है, यहां तक आपको समझा। उसके बाद मुझे कितना चाहिए, 5%, तो 5% कितना होता है मेरा, 12 होता है। अगर आप 120 से 12 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 108 इक्वल टू 7x। ये जो आपको स्प्लिट एंड मर्ज है ना, वो बहुत जल्दी समझ में आना चाहिए। जैसे ही समझ में आए ना, सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी हो जाएगा। वरना आप क्या करोगे, 45/100 मल्टीप्लाई बाय 214 समथिंग, आप ऐसा करोगे एंड फिर आप इसको कट करोगे, वो बहुत लेंदी हो जाता है। यहां पर आपको एकदम नीट एंड क्लीन करना है, कुछ भी कट नहीं करना। उसके बाद आप क्या करेंगे, 312 है मेरा, माइनस और माइनस को आप ऐड कर दीजिए, होगा प्लस बट साइन आपका माइनस का रहेगा। तो ये देखिए, ये 100 अज्यूम कर लीजिएगा, 100 प्लस 80 180, और 8 और 9 होता है 30, यानी कितना हो गया, 193 इक्वल टू 7x। नाउ यहां से आप 193 और कितना है, 312, तो अगर 312 से आप 193 लेस करते हैं तो आपको मिलता है कितना, 119 इक्वल टू 7x। और मुझे यहां पर किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब कई लोग या कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो भी आप जरा ध्यान से समझिए। वो 119/7 लिखते हैं, वो सब मत कीजिएगा एग्जाम में, क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है। आपको पता होना चाहिए कि 119 किसका मल्टीपल है, 119 17 का मल्टीपल है। अगर 17 को आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 119। तो यहां पर मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू 17। यानी आप क्या कर सकते हैं, 119 डिवाइडेड बाई 7 करोगे ना, तब भी आपको क्या मिलेगा, 17। होप यहां तक आपको जरूर से समझ में आया होगा। आज के लिए इतनी ही बात है। सो दोस्तों, ये आपका भी होमवर्क टाइम है। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए और अपने आंसर्स जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा। और आप हमें ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।